शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बनावट जांच अहवाल मामले में ओम श्री ट्रेडिंग की संचालिका को जल्द गिरफ्तार करने संदर्भ में मनसे की ओर से पत्र परिषद ली गई। मांग पूरी ना होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के फर्जी जांच रिपोर्ट मामले में ओम श्री ट्रेडिंग की संचालिका नीता सिंघवी को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा मनसे द्वारा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी मनसे जिला संगठक राजू कुकड़े ने आयोजित पत्र परिषद में दी। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर की है। चंद्रपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में मनसे जिला संगठक राजू कुकड़े ने बताया कि शासकीय और निम शासकीय कार्यालयों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते समय उस वस्तु की गुणवत्ता जांच करने का काम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास होता है, जिसमें आवश्यक शुल्क भरकर और संबंधित वस्तुओं की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही उस वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। परंतु जिला परिषद के स्वास्थ्य व पंचायत विभाग को जिन वस्तुओं की आपूर्ति करनी थी उसका ठेका जितेंद्र जैन की पत्नी शिल्पा जैन और नेता जसवंतराव सिंघवी के ठेका कंपनी को मिला था। उन्होंने बताया कि इस कार्य का ठेका मिलने के बाद उन्होंने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर जिला परिषद में वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए वह रिपोर्ट जिला परिषद में पेश की, परंतु शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोपाल भूतड़ा ने उक्त जांच रिपोर्ट हमारी नहीं होने का स्पष्टीकरण देने के बाद जिला परिषद के स्वास्थ्य व पंचायत विभाग द्वारा इस मामले में रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर रामनगर पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। फिलहाल इस मामले में शिल्पा जैन को जमानत मिली है, लेकिन नीता सिंघवी अभी भी फरार है। इस गंभीर मामले में नीता सिंघवी को शीघ्र गिरफ्तार करें, अन्यथा इसके विरोध में मनसे द्वारा तीव्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी मनसे जिला संगठक राजू कुकड़े ने पत्र परिषद में दी। निर्माण सेनेतर्फे आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन काही दिवसापूर्वी जिल्हा परिषद मध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा खोटा टेस्टिंग रिपोर्ट जो सादर करून कोट्यवधी रुपयाचं टेंडर घेतलेलं होतं त्या जैन यांच्या विरोधामध्ये आम्ही पत्रकार परिषद घेतली होती। SP साहेबांना, जिल्हाधिकारी साहेबांना आणि इथल्या ज्या आहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनासुद्धा निवेदन दिलेलं होतं। त्या संदर्भामध्ये चौकशी सुरू झाली, पण अजूनपर्यंत कारवाई कुणावरच झालेली नाही आहे। या संदर्भामध्ये ओम श्री ट्रेडिंग कंपनीच्या नीता सिंघवी ज्या आहे ह्या अजूनपर्यंत समोर आलेल्या नाही आहे, त्यांच्यावरसुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्यांच्यामागे राजकीय वर्दस्त असल्यामुळे त्यांना अटक होत नाही का हा महत्त्वाचा प्रश्न असून यामागे पोलीस प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे आणि म्हणून या संदर्भामध्ये आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार देऊन मागणी केलेली आहे की ओम श्री ट्रेडिंग कंपनीच्या संचालिका नीता सिंघवी यांना त्वरित जे आहे अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही पोलीस प्रशासन त्या सर्व गुन्ह्यामध्ये सामील आहे, त्या सर्व कारवाईमध्ये सामील आहे असं समजून पोलीस प्रशासनाच्या विरोधामध्ये आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आंदोलन करू अशा प्रकारचा इशारा आम्ही निवेदनातून दिलेला आहे।